करनाल के सेक्टर 32 में रात को एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि शव के पास एक पत्थर भी मिला है जिस पर खून के निशान हैं। वहीं मृतक का मुंह भी पूरी तरह से अंदर की तरफ धंसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि झाड़ियों में रात के समय एक अज्ञात शव की मिलने की जानकारी पुलिस टीम को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताते चले कि सेक्टर 32 पोश इलाका है, वहां पर लोग रात के समय सैर करते हैं। जैसे ही लोग वहां से गुजर रहे थे तो वहां झाड़ियों में एक शव दिखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मृतक का मुंह पूरी तरह से अंदर की तरफ धंसा हुआ था। वहीं शव के बगल में एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था जिस पर खून के निशान थे। पुलिस इस हत्या से भी जोड़कर देख रही है और पुलिस ने अब जांच भी शुरू कर दी है। वहीं जांच अधिकारी का कहना है कि शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि यह हत्या है या हादसा, जिसके बाद पुलिस को जांच करने में और आसानी होगी। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। तो यहाँ जो सैर कर रहे थे लोग, उन्होंने फोन से बताया कि यहाँ रेड बॉडी पड़ी है। हम मौके पर पहुंचे हैं और उसको देखा है कि यहाँ रेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके सर पर चोट है, पत्थर भी पड़ा है वहाँ, उस पर भी ब्लड लगा हुआ है। एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा है और आगे इसका सर देखने से ऐसे लग रहा है कि बड़ा पत्थर है और मुंह पर पूरा मारा गया है, जिस कारण मुंह काफी पिचका हुआ नजर आ रहा है। कहा नहीं जा सकता ये ऊपर से पड़ा है या मारा गया है। हम पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम कराएगी। तो सर आईडी प्रूफ वगैरह कुछ मिला है जेब से? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी इसके पास कुछ नहीं है। जो उसके कपड़े कुपड़े पड़े थे वहाँ वो चेक किए गए, उनमें कुछ नहीं मिला। तो मुंह से भी काफी खून निकल रहा है? हाँ, ब्लड लगा हुआ है मुंह पर भी। तो पत्थर जो है बड़ा है उसमें भी लगा हुआ ब्लड? पत्थर बहुत बड़ा है, काफी बड़ा पत्थर है जिसमें ब्लड लगा हुआ है। फॉरेंसिक टीम बुलाई जा रही है, चेक करके जैसे भी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम के बाद वो करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।